हाँ, नाम बताओ अपना। शफी और रहमान शफी और रहमान, आप नाम बताओ। आपका किस इलाके से ताल्लुक? जी। मैं खैबर पख्तूनख्वा कुहाट वोट आपका सिंध मिट्टी सिंध। फौज के किस इदारे से ताल्लुक है? कोस्ट गार्ड से। विंग नंबर बताओ। विंग नंबर कोस्ट गार्ड 3 बटालियन ग्वादर। बटालियन ग्वादर है। उस चेक पोस्ट का नाम क्या था? ये मुल्की उल्की। जी। ये फ्यूल ड्रम डीजल या तेल पेट्रोल वगैरह का कितना टैक्स लेते थे? ये कोस्ट गार्ड 750 रुपये लेते थे 1 बैरल का। 1 बैरल का 750। 750। इसके अलावा गाड़ी वालों से ये क्या क्या अगर टैक्स लेते थे? कोई गाड़ी शाड़ी आती थी उससे जो है ना तो खर्चा ले लेते थे। अगर जो है ना कोई बोतल शोतल जो है ना ये पेप्सी या जो है ना शराब शराब अगर होता था शराब या जो है ना मनशियात हाँ, तो 2 लाख रुपए एक गाड़ी से लेते थे कोस्ट गार्ड वाले। हर गाड़ी का 2 लाख टैक्स लेते थे। एक गाड़ी का 2 लाख रुपए लेते थे ये कोस्ट गार्ड शराब वाले। मिनरल वाटर वगैरह ये अलग टैक्स होता था। ये शराब और इसका भी अलग टैक्स होता था। अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो गाड़ी जब्त होती गाड़ी जब्त होती थी। थी। जी। ये मानसात की गाड़ियों का कितना टैक्स लेते थे? मनसियात की गाड़ी का 2 लाख रुपए टैक्स होता था। 2 लाख का। जी। और स्पीड बोट का 2 लाख का भी 2 लाख होता था। 2 लाख होता था या तीन तीन लाख लाख 3 लाख 3 लाख। हाँ, ये सब आप किसके सरबराही में करते थे? ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के सरबराही में हर चीज होती आप लोग कैंप की कुल कितनी नफरी थी? थी। कुल 27 बंदी थे। हाँ, इसमें जो है ना जब पहली अटैक हो गई है तो 2 मोर्चों में अलग अलग संतरी जो थे वो पहले अटैक में जो है ना मर गए। टोटल 27 नफरी थी पोस्ट पर। इसमें जो है ना 25 मर गए। दो बंदों ने जो है ना 1 घंटे के बाद सरेंडर कर लिया। ये सारा हथियार और अमनीशन सारा जब्त हो गया है। और जो है ना ये गाड़ी और मोटरसाइकिल ये भी जब्त हो गया। फिर आखिर में सारा कैंप जो है ना जलकर तबाह कर दिया। इनमें से कौन कौन मारे गए इन 25 लोगों में से? 1 सूबेदार था, एक नायब सूबेदार, 2 लसनायक, बाकी सारे सिपाही थे। नायब सूबेदार के बाद मैं नायक था। मैं जो है ना सिपाही समेत आखिर में हो गया सिलेंडर। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार फौज और एजेंसी ने बलोचों पर बहुत जुल्म रवा रखा है जिनमें हम भी शुमार हैं। बलोच कौम अपनी आज़ादी की खातिर जंग लड़ रहे हैं। मैं फौज ISI और FC से अपील करता हूँ कि वो इनका मुल्क छोड़ दे। बलोच सरमजार अपने हक पर है जिस तरह हमने देखा है। बलोच सरमजार अपनी जंग कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाते जाएंगे। बलोच कौम की आज़ादी यकीनी है। बलोच कौम की आज़ादी यकीनी बनाई जाए। हम सब पाकिस्तानी लोगों से भी अपील करते हैं कि बलूचिस्तान हालात जंग में है। फौज में भर्ती मत हो और यह बलूचिस्तान में मत आए। बलोच कौम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी को तस्लीम किया जाए।